फटी तो फटी लेकिन पावर ना घटी। जी हाँ, यही कुछ कहती नजर आ रही हैं अक्षरा सिंह बिग बॉस के घर में। अक्षरा सिंह को पहले दिन ही बिग बॉस के घर में भोजपुरी इंडस्ट्री को लेकर कई चुभने वाली बातें की गई, लेकिन अक्षरा सिंह भाई वो जानती हैं कि उन्हें किस तरह से लड़ना है, किस तरह से आगे बढ़ना है, किस तरह से अपनी बातों को रखना है और किस तरह से सभी के सामने अपने पक्ष को रखना है। हाँ, ये बात और है कि शमिता शेट्टी से उनकी नोकझोंक हुई, लेकिन बाद में शमिता ने ही उन्हें काम डाउन किया। ये बात और है कि 1.5 घंटे की भूख हड़ताल के बाद बेसन का चीला बनाकर अक्षरा सिंह ने खुद भी खाया, प्रतीक को भी खिलाया, लेकिन अक्षरा सिंह के ऊपर जितने भी तंज कसे जा रहे हैं बिग बॉस के घर में, उसे अक्षरा को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है। और अक्षरा ने लोगों के सामने एक मिसाल पेश की है कि भले ही आप भोजपुरी को चाहे जो भी कहें, लेकिन मैं उस पर गर्व करती हूँ। ये बहुत बड़ी बात है किसी भी एक्ट्रेस के लिए, किसी भी पर्सन के लिए, कि वो अपनी संस्कृति से इतना प्यार करता है। जो लोग अक्षरा सिंह को भोजपुरी के नाम पे आज जो मन हो रहा है वो कह दे रहे हैं, उनके लिए अक्षरा सिंह का आगे बढ़ना एक तमाचे की तरह होगा। अक्षरा सिंह की जर्नी को आप किस तरह से बिग बॉस में देख रहे हैं, आगे हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।